तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? अच्छे होंगे। हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो क्या है ना कि कोई चीज भी हो, मतलब आपने कितनी बनाई हो मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं कितनी इसमें नमक या कितनी मिर्ची डालूं। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आप इस तरीका से कर सकते हैं। तो जैसे मेरा ये है डिब्बा, तो ये है मेरा एक डिब्बा, तो इसमें मैं रखती हूँ नमक। तो क्या है, तो अगर मेरे को ये अंदाज नहीं है कि मेरे को आधा कितना डालना है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये लिया है मेरा टेप, ये मैंने टेप लिया है। तो इस तरीका से आप टेप को चिपकाएं, ऐसे देख सकते हैं आप, हमने चिप। तो इससे क्या है, इससे मेरे को ये अंदाज मिल जाएगा कि मेरे को आधा, जैसे मेरे को ये पूरा लेने, तो इस तरीका से एक जब भरेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा और मेरे को लेना है आधा। तो आप किस तरीका से कर सकते हैं आधा, तो देख सकते हैं आप इस तरीका से, ये है जो हमारा डिब्बा। तो मेरे को आधा लेनी है, इस तरीका से लिया है और मैंने निकाल दिया है इसके सहारे से, जो मैंने टेप चिपका लिया है। तो आप देख सकते हैं इससे कितने आसान तरीका से निकल सकते हैं ये, जो भी चीज़ मैं निकालूंगी दिखा दिया मैंने। तो आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, ये टेप से आपको अंदाज मिल जाएगा कि मेरे को कितना क्या लेना है। तो फिर ये रहा मेरा एक वीडियो, मतलब एक टिप्स। अभी हम बताते हैं आपको और आगे। और अगर आपके पास टेप नहीं है और टेप नहीं लगा पा रहे, तो इस तरीका की आप लास्टिक ले लीजिए। तो ये है हमारी सोयाबीन बड़ी, क्या होता है कि ये आ जाती है अपने राशन के साथ में, तो फिर बनाने की ध्यान नहीं रहता है, तो इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो आप किस तरीका से बचाएं कीड़ों से, तो ये है लहसुन की डंडी, जो लहसुन निकाल लेते हैं फिर डंडी रह जाती है, तो ये इसमें इस तरीका से डाल दी दीजिए। देख सकते हैं आप, इस ये दबा दें इसमें, तो ये दबाने के बाद फिर इसे हला दें। इसकी जो लहसुन की महक है ना, तो इसकी वजह से ना तो कीड़े नहीं लगेंगे। आप कितने दिन के लिए रखे रहने दें। तो अगर हमारी ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान से करें। तो फिर ये रही हमारी दूसरी टिप। तो तीसरा है हमारा ये टिप, हम आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने लिया है एक आलू, इस तरीका से काट लीजिए। और इस पे हम लगाएंगे एक कोलगेट, ये है, इस पे लगाएंगे एक कोलगेट, कोई सा भी आप जोन सा यूज करते हो तो वो वाला कोलगेट ले सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीका से ये फैला लें। और ये है ना, तो आलू में इस तरीका के से छेक, मतलब इस तरीका से चलाएं जो इसमें से रस निकलता रहे। तो ये है हमारा ज्वेलरी वगैरह, आप किसी तरीका से साफ करते हैं, ये है, ये मतलब गंदे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो हम जैसे सुनार की दुकान पे लेके जाते हैं, तो वो लोग जैसे सोने की चीज़ होती है और वैसे ही तो झाड़ लेते हैं, वो पतले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, तो टाइम भी बचता है। तो आप अपने घर पे ही किस तरीका से करें, तो आप देख सकते हैं हम इस तरीका से आप सही कर सकते हैं। तो तीसरी टिप अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी, तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं और नींबू से भी हो जाते हैं साफ। पर अभी मेरे पास नींबू नहीं था तो मैं इसलिए नहीं दिखा पाई, तो मैं तो नींबू से भी कर लेती हूँ और इससे भी कर लेती हूँ। मेरे जब भी पायल वगैरह काली पड़ जाती हैं, कहीं कहीं का पानी बहुत ख़राब होता है तो पायल वगैरह काली पड़ जाती हैं। तो ये देख सकते हैं ये मैंने धुल दिए, तो अभी कितने काले जब थे ये, आप देख सकते हैं कितने साफ हो गए हैं। तो आप अपनी ज्वेलरी वगैरह है और जो भी कुछ चांदी की पायल वगैरह है, आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। ज्वेलरी है या आपकी पायल वगैरह है जैसे काली पड़ जाती हैं किसी जगह के पानी से, तो आप इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमने कर लिए हैं साफ आलू से और कोलगेट से। तो अगर हमारी ये आपको टिप्स अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें, ध्यान से करें। हमारा ये तो ये है, मैं मतलब सभी लोग साड़ी बांधते हैं, तो साड़ी बांध के जैसे कहीं जाते हैं 2 या 4 घंटा बीतने के बाद, फिर साड़ी में ये पिन जब हम लगाते हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से ये फंस जाता है, तो साड़ी फटती है, ब्लाउज भी फट जाता है। तो मेरे साथ में तो ये आजकल होता है। तो फिर मैंने इससे सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी हर साड़ी का ब्लाउज फट रहा है। तो मेरे को आया दिमाग में कि एक मेरे को इस तरीका से मोती लीजिए, तो इसे मैं इस तरीका से डालें, इस तरीका से डालें, फिर मतलब आप हर पिन में लगा के रखें, आप कहीं पे भी जाएं तो इसी तरीका से लगाएं और लगा मतलब साड़ी पिन पे लगाएं, तो किसी भी तरीका से ये
फंसेगा, क्योंकि क्या है ना इसमें फंसता है, जो ये घुमा हुआ है ना इसमें फंसता है, तो ये इससे आगे मोती इससे आगे जाएगा नहीं, धागा तो फंसेगा नहीं। तो फिर ये है हमारी ये टिप्स, और एक रही ये मेरी टिप्स आपको बताती। तो इसमें रखेंगे हम अपने जरूरत वाले कार्ड, ये मेरे इसे कर सकते हैं, और एक सभी लोग लगाते हैं ये बिंदी, तो हर किसी के घर में होगा, तो ये जरूर खाली होते होंगे ना, तो ये एक ले बिंदी का बर्ता, तो इस तरीका से देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीका से मेरे मतलब फंसाएं, और देख सकते हैं आप, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप इस तरीके से रखे रहेंगे, एक जगह ही रखे रहेंगे, और फिर अगर आपके पास है अगर बिंदी के पत्ते की ये तो इस तरीके से पैकेट की पॉलीथिन, तो आप इसमें रख दें, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, तो आप इस तरीके से ना, ये रही आज हमारी टिप्स इस तरीके से, तो आपके कार्ड बिल्कुल भी नहीं। एक टिप है हमारी ये, तो ये आप जैसे जींस की पैंट आजकल घर में सभी लोग पहनते हैं, तो ये है कि पैंट की मैच जैसी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो फिर वो अजीब सी लगने लगती है, इसके कलर ये भी हो जाता है, ये धागे वगैरह भी निकलने लगते हैं इसके अंदर से, ये चीज़ है ये धागे भी निकलने लगते हैं, तो फिर आप क्या करें तो इस तरीक़े से इसकी तह बनाएं, और ये कॉटन की जो सेट वगैरह होती है जो, तो क्या है ना इसके ये कलर भी उड़ जाता है इनका धूप में डालने से वैसे, तो आप इस तरीक़े से रखें, और ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो ऐसे बिना पॉलीथिन के डाल दो तो क्या होता है कि इनका कलर भी मतलब हल्का पड़ जाता है, हल्का हल्का सा कलर हो जाता है, फीका लगने लगता है, तो इस तरीक़े से आप रखें, और फिर ये एक लें पॉलीथिन वगैरह, तो इसमें मैं अभी रखती हूँ आपको दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें रख ली है ये, और आप चलते मैं ये आ गई हूँ फ्रीज में, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये इस तरीक़े से खोलें, और ये जो आपके फीके कलर हो रहे हों या धागे निकल रहे हों तो आप इसी तरीक़े से रख सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं आप, ये मैंने रख दी है ऐसी करीब 10 मिनट के लिए रख दी है मैंने इसमें, और आप कहेंगे जे ये सोच रहे होंगे तो कि ये कैसी मतलब तरीका है, तो आप देखिए आप ज़रूर एक बार अपनाइए जो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीक़े से, तो ये मैंने इसमें थोड़ी देर के लिए रख दी है, आप देखना आप ये खुद से अपनाएंगे जब आप नया कपड़ा है और उसका कलर उड़ चुका है, तो इस तरीक़े से आप अगर अपनाएंगे तो आप जरूर देखेंगे कि हाँ ये किसी ने मेरे को वीडियो बताई थी, तो इस तरीक़े से मैंने रख दिया, मेरे को हो चुके हैं 10 मिनट, अब मैं निकालती हूँ, और इससे बहुत अच्छे मतलब ठंडे हो जाएंगे कपड़े, और उठा के फिर मैं अपनी अलमारी में रख दूंगी, तो ये पैंट वगैरह है जीन्स की, तो आप इस तरीक़े से रखें, और 10 मिनट के लिए आप फिर अलमारी में जो भी कुछ हो आपके पास जहाँ पे आप कपड़े अपने रखते हो वहाँ पे रख सकते हैं, तब मैं निकाल ले रही हूँ, और क्या है ना इसमें रखने से क्या होता है कपड़े आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इस तरीक़े से आपके कपड़े ठंडे हो जाएंगे, वह ठंडे होने की वजह से रखते हैं, और आप ज़रूर एक बार ये अपनाइए वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान से करें, तो और आप लोगों को एक अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो आप बिना पॉलीथन के कपड़े नहीं रखें, आप पॉलीथन में ही कपड़े रखे रखें, क्या है ना बिना पॉलीथन के रख दो तो उसमें एक दूसरे में कपड़े लग लग के उनका कपड़े का कलर थोड़ा वैसा हो जाता है, तो आप इस तरीक़े से ना रखें, जब तक पॉलीथन में ही रखे रखें, आप देख सकते हैं कि बिना पॉलीथन के कपड़े रखने से क्या होता है और पॉलीथन में रखने से क्या होता है, तो कहते हैं दूसरी वीडियो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान से करें, बाय, तब तक के लिए बाय। Bye.